नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल ब्यूटीफुल वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेकर आए हैं कि अगर कोई व्यक्ति सपने में अपने घर में कूड़ा कचरा देखता है तो यह सपना व्यक्ति को किन बातों का संकेत देता है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने सपनों का बिल्कुल सही मतलब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अपने घर पर कूड़ा कचरा दिखना एक अशुभ संकेत माना जाता है। यह सपना आपके घर पर किसी नकारात्मक ऊर्जा के होने का संकेत देता है। आने वाले समय में आपके सोच विचार नकारात्मक होंगे, इस बात को यह सपना बताता है। जो भी व्यक्ति सपने में अपने घर के अंदर कूड़ा कचरा बिखरा हुआ देखता है, उस व्यक्ति को आने वाले दिनों में धन हानि का सामना करना पड़ता है। रुपया पैसा व्यक्ति के पास नहीं टिकता और व्यर्थ के खर्चों पर धन बर्बाद होता है। जो भी व्यक्ति यह सपना देखता है, उसे अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। आने वाले समय में आपको अपने और अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह सपना देखने के बाद व्यक्ति के घर में कलह कलेश की स्थितियां बनती हैं और घर के लोगों में आपसी मनमुटाव बढ़ता है। जो भी व्यक्ति इस अशुभ सपने को देखे, उस व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने विचारों की शुद्धता का ख्याल रखे, किसी की निंदा ना करे, व्यर्थ की बहस व लड़ाई झगड़े से सावधान रहे, बचने का प्रयास करे, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। इन बातों को यह सपना बताता है। तो यह होता है सपने में अपने घर में कूड़ा कचरा फैला हुआ दिखने का मतलब। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सपनों का बिल्कुल सही मतलब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका कोई ऐसा सपना है जिसका मतलब आप जानना चाहते हैं तो आप अपना सपना हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से आपको आपके सपने का मतलब बताने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।